वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। गाइस, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखते हैं पहले, फिर व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। गाइस, आपने ये वीडियो देखा और आपको पता ही चल रहा होगा कि लोग कितने बेवकूफ हैं हमारी कंट्री में, कि एक एल्कोहल के लिए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एल्कोहल नहीं है, वो COVID-19 की, कोरोना वायरस की मेडिसिन मिल गई हो, उसकी खोज हो गई हो, ऐसे निकल के जा रहे हैं। मतलब कि अगर इन लोगों को बोल दिया जाए कि अपने ऑफिस टाइम पे पहुंच जाओ, तो शायद ये लोग नहीं पहुंचते होंगे। क्या है वो, एक शराब के लिए लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। जहाँ पर बुक स्टॉल खुली थी, जब बुक शॉप खुली थी, बुक शॉप्स, तब इतनी भीड़ नहीं थी, बिकॉज एक पिक्चर में ये डिस्क्रिप्शन आया था कि बुक शॉप जहाँ ओपन है वहाँ इतनी भीड़ नहीं है, बट कल जब ये वाइन शॉप्स और लिकर शॉप्स खुली हैं, वहाँ पर तो ऐसे हो रहा है जैसे फ्री में बट रहा हो सब कुछ। अगर फ्री में भी बट रहा हो तो लोगों को एक सेंस होना चाहिए यार, तुम ठीक है, तुमको शौक है पीने का, तुम एंजॉय करने के लिए पीते हो, लेकिन अपनी लाइफ को तो रिस्क में मत डालो। मतलब इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, मेरे को तो समझ नहीं आया। मतलब इतना गुस्सा आया उस वीडियो को देख के कि कितने लोग, सारे लोग जो इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर में सब जितने लोग हैं सब अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, और उन लोगों को, मतलब वो इतने सारे भीड़ में से निकल के जाएंगे अपने घर पे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई इस पे से इन्फेक्ट हो जाता है, वो वायरस कहाँ लेके जाएगा, सीधा अपने घर पे लेके जाएगा। सो लोगों को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। इंडिया में डे बाय डे केस बढ़ रहे हैं, क्यों हम अपनी कंट्री को अमेरिका या इटली बनाएं, राइट? इटली इज ओपन यस्टरडे, आई गेस डे बिफोर यस्टरडे दे हैव ओपनड, लॉकडाउन वहां पे खत्म हो गया है। चलिए गाइस, ये बातें तो होती रहेंगी, आप लोग अपने कुछ इस बारे में व्यूज़ कमेंट करना कि आपका क्या कहना है इस बारे में, कि जो लोग, आप भी शेयर करना अपने कमेंट्स कि ये लोग जो कर रहे हैं कि सही है कि गलत है। चलिए अब व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keep going, 9, 10. मिल्क लेने जा रहा हूँ सुबह सुबह मार्केट, बस यही जो कंडीशन है इसमें ही मुझे डेली बाहर निकलना पड़ता है। कार का भी बैंड बजा हुआ है, जैसा मैं पहली वीडियो में दिखाया था, बहुत दिन से ये भी स्टार्ट नहीं हुई है, फ्यूल भी नहीं है इसमें तो। नव्या, वेक अप नव्या, लेट्स गो ऑन टेरेस नव्या, ना भैया क्योंकि भाई उठ जाओ, आज नहीं उठने वाली, आज कल रात को बहुत लेट सोई है, उठ जाओ उठ जाओ। मैं आ रही हूँ पापा, मैं आ रही हूँ पापा, ऑल टाइम पबजी पबजी पबजी। ना भैया बस 1 मिनट, मेरा ना चिकन डिनर होने वाला है, मैं जीत जाऊंगा, 1 मिनट ना भैया। प्रेरणा क्या बना रहे हो आज? आज बन रहे वीट मोमोज, हेल्दी मोमोज, होल वीट मोमोज खाएं, बन रहा है आज गाइस। सोयाबीन फिलिंग के साथ, सोयाबीन, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, जिंजर गार्लिक, लॉट्स ऑफ अनियन एंड लॉट्स ऑफ लव आल्सो, है ना प्रेरणा? बिल्कुल। चलो बनाओ, खाते हैं थोड़ी देर हो गई है। एंड प्रेरणा दिखा तो दो यार मोमोज आप। ये पहले सरोजनी नगर में मोमोज की स्टॉल लगाती थी शादी से पहले। हाँ, ये भाई मुझे मिले थे, मोमोज खाने आया था मैं। हाँ, और मैंने इनको पटा लिया था कहा फ्री के मोमोज तो मिल ही जाएंगे, मैंने कहा पट ही जाता हूँ मैं, है ना? गुड जॉब यार, आप अच्छे से कर लेते हो, सीख लो कुछ। अच्छा आपने एक बात बताओ, ये वीडियो के लिए नेल पेंट हो रही है, जो शर्ट पहना है
सेम सेम है कि ऐसे ऐसा ही? कुछ भी कोइंसिडेंस है। चलो गुड, फाइनली मोमोज रेडी हो गए, देखने में तो बहुत यम लग रहे हैं। थैंक यू प्रेरणा, वेरी गुड। अभी और बन रहे हैं। अच्छा ये नवे के लिए बन रहे हैं। लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ नव्या, शी इज फॉन्ड ऑफ मोमोज। नव्या इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, डू यू लाइक इट? चलो स्टार्ट ईटिंग, नहीं तो मैं खा जाऊंगा सारे। यू लाइक इट? प्रेरणा को जाना है मार्केट और उसकी स्कूटी निकालने लगे तो देखा कि वो पंचर है, इतने दिन से चली नहीं है, तो फ्लैट टायर सो वस्ट, उसका फ्लैट टायर को थोड़ा सा ठीक करते हैं, हवा भरते हैं, फिर चलते हैं। गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।